स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है और बड़ी जानकारी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। SSB हेड कांस्टेबल 2021 में जो 115 पोस्टों का ऑनलाइन अप्लाई हुआ था, जिसका फिजिकल डेट हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोगों का फिजिकल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किया कि सर एक बार आप डॉक्यूमेंट के बारे में बता दो, क्योंकि सबसे पहले इसका प्रोसेस जो है वह फिजिकल है। तो फिजिकल में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, क्योंकि फिजिकल के कम ही दिन बचे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिजिकल में लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में ले चलेंगे एडमिट कार्ड पर और दिखाएंगे एडमिट कार्ड और देखेंगे कि एडमिट कार्ड में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए बोल रहा है लेकर आने के लिए फिजिकल सेंटर पर। तो दोस्तों सभी बच्चे तैयार हो जाइए। बहुत सारे ऐसे हमारे महानुभव बच्चे होंगे जिन्हें ये जानकारी फेक लग रही होगी, सो प्लीज़ बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर जिस तरह से BSF में बताया जा रहा था, लेकिन बहुत बच्चे ने बोला कि फेक है। और जब 18 जुलाई से एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया तो बच्चे को समझ में नहीं आया कि वह अब अपना डॉक्यूमेंट कब तैयार करवाए, क्योंकि जिस बच्चे का 10 डेज बच्चा था, क्योंकि 10 डेज पहले एडमिट कार्ड जारी हुआ, बहुत सारे बच्चे इसी कारण से डॉक्यूमेंट में फेल हो गए। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं आप लोग तैयार करवा लीजिए, नहीं तो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर भाग दौड़ करते रहना कि मेरा ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, वो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं, अब क्या होगा, फिर इधर फिजिकल क्या करना, उधर दौड़ लगाते रहना। तो चलिए दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हम रात 8 बजे सभी फोर्सों के लिए तैयारी करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते एडमिट कार्ड पर और देखिए कि SSB हेड कांस्टेबल का जो एडमिट कार्ड है उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला जा रहा है कैंडिडेट को। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। भर्ती परीक्षा 2022 जो स्टडी गाइड है दोस्तों, इस बुक के साथ आप लोगों को समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान व सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी इंग्लिश और 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 सोल्व पेपर 2021 के सहित और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित और बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए। दोस्तों इस बुक के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लेनी है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। जो बच्चे इस बुक को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग इस बुक को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है ये 2018 में जो आई थी 72 पोस्टों के लिए, उसका एडमिट कार्ड है। आप लोग देख सकते हैं एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल टेस्ट PT PST एंड डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट विल बी अलाउड द एपियर सब्जेक्ट टू एडमिट कार्ड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और ये देखिए रोल नंबर है, फादर नेम है, कैटेगरी है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और एक्स सर्विस मैन के बारे में बताया गया है यस या नो। और दोस्तों इसका जो फिजिकल डेट था वह 28/1/2019 और रिपोर्टिंग टाइम 8 AM में था, 8 बजे सुबह में रिपोर्टिंग टाइम था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जनवरी में 8 AM में रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ था, तो इस बार जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम होगा वह 5 AM में रिपोर्टिंग टाइम होगा। और आप लोगों को जो फिजिकल होगा वह 1600 मीटर होगा मेल कैंडिडेट को, तो वह आप लोगों को समझिए कि सुबह 6 से 6:30 के बीच में सभी को फिजिकल करवा लिया जाएगा, रनिंग करवा लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका जो फिजिकल सेंटर हुआ था 44th बटालियन SSB नरकटियागंज और देखिए यहाँ पर वेस्ट चंपारण बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं सभी का सेंटर यहीं पर होते हैं। और आप लोग देख लीजिए दोस्तों इसमें क्या क्या हुआ था, और ये भाई देखिए कंप्लीट किया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोहर लगा है क्वालिफाइड इन PT और क्वालिफाइड इन PST। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जब आप लोग SSB हेड कांस्टेबल का फिजिकल कंप्लीट कीजिएगा तो आप लोगों को ऐसे ही मोहर लगा के दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट जो बताया गया है वह बताया गया है कि आप लोगों को 30 मिनट पहले आना है और आप लोगों को एडमिट कार्ड लेना है और
आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि कोई भी पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी चलेगा। ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी है। फिर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को फिजिकल सेंटर पे 2 से 3 दिन रुकना पड़ सकता है, 2 से 3 दिन रुकना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है, केवल आपको फिजिकल करवाया जाएगा। हाइट वेट चेस्ट करवा के आप लोगों को दोपहर के 3 से 2 बजे तक में आप लोगों को फिजिकल सेंटर से छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत अभी नहीं है। और जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो देखते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या बताया गया है, लेकिन सेम यही एडमिट कार्ड आप लोगों को आएगा। बस आपका एड्रेस, नाम, पता और 2022 फिजिकल का डेट लिखा रहेगा। और दोस्तों बता दें कि 18 सितंबर से आप लोगों का फिजिकल शुरू हो रहा है SSB हेड कांस्टेबल वाले को। तो दोस्तों केवल आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अभी आप लोगों को फिजिकल में लगेगा, अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट अभी चेक नहीं किए जाएंगे। हो सकता है तो आप अपना OBC और SC ST कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए भारत सरकार से, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपके चेक नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, हम आप लोगों को पिछला एडमिट कार्ड दिखा दिए और इस पर केवल बोल रहा है कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर आने के लिए और कुछ नहीं, और 5 फोटो, इसके अलावा कुछ लेकर नहीं जाना है। तो समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।